और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी शहर यानी कि जयपुर के प्रवास पर रहेंगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, वो आपको हम सुनाते हैं। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आएंगे और यहाँ अपना, और ये निश्चित रूप से आपने देखा जब से ये जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली, संगठन के लोगों को मिली, सभी लोग शहर को स्वच्छ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सभी जुटे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है, हर्षोल्लास है। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री जी का, क्या बैठक रहेगी, कौन लोग अपेक्षित हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी आज शाम को पार्टी मुख्यालय आएंगे, वहाँ माननीय विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद राजभवन पधारेंगे। लेकिन पार्टी कार्यालय पर आना ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा देगा कि आदरणीय प्रधान ये, और ये पहला अवसर होगा कि कोई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आ रहे हैं। इससे बड़ी बात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुछ होनी चाहिए। एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा माहौल वैसे जिस तरीके से हो रखा है वो भी लोगों में चर्चा, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भी आना, कई तरह के सामने लोकसभा चुनाव भी है। और देखिए 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश दुनिया के लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। कितने वर्षों से रामलला टेंट में विराजमान थे, लेकिन आप देखिए कि इस शुभ अवसर के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए भी प्रभु श्री राम ने राम भक्त नरेंद्र मोदी जी को चुना और उन्हीं के हाथों शिला पूजन भी हुआ और वहाँ 22 तारीख को भव्य आरती भी होगी। प्रभु श्री राम लला मंदिर में विराजेंगे और वो देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। और मैं सोचता हूँ कि 22 तारीख को पूरे देश भर, पूरा देश दिवाली मनाएगा, उस कार्यक्रम को लाइव अपने गांव में देखेगा, वहाँ अपने मंदिरों में सज्जा करेंगे, शाम को दीपदान करेंगे। ये निश्चित रूप से कई वर्षों का सपना, कई पीढ़ियों का सपना पूरा हो रहा है, तो हर व्यक्ति के मन में एक उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का किस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा आज, वो सब लोगों के बीच में होंगे तो कितने उत्साह? ये तो मार्गदर्शन मिलने के बाद ही बात करूँ। सांसद और केंद्रीय मंत्री थोड़ी रहे, मैंने श्रेणी बताई थी आपको। भाई साहब एक मिनट बस कुछ। और देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, किस तरह से सजाया गया है भाजपा मुख्यालय को, वो तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आ रही हैं, बीजेपी मुख्यालय में आएंगे और संगठनात्मक बैठक भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। आपको जानकारी दे दें कि एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी मुख्यालय का रुख करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है। और ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए शाम 5 बजे संगठनात्मक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। ऐसे में सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में।